पर मार दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। कल याद होगा किस तरीके से आपको, कल ही जैश के दो आतंकी मार गिराए गए थे और आज के ऑपरेशन में भी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को यहां पर मार गिराया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कुछ देर पहले की, हम जहां पर किस तरीके से देखिए सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक आतंकी को यहां पर मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच जिस तरीके से घाटी की शांति को यहाँ पे उसमें जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा आतंकियों की ओर से, अब यहाँ पे सेना की ओर से भी मुस्तैदी दिखाते हुए एक के बाद एक यहाँ मुठभेड़ हो रहे हैं। और कल दो आतंकी ढेर किए गए थे, जबकि आज कठुआ में मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक के बाद एक जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो यहाँ पर लगातार दिखा रहे, तस्वीर आपको किस तरीके से यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से जो पुलिस वाले घायल हो गए थे पूरे मुठभेड़ में, अब उनका वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है इलाज के लिए। यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहे आपको, ये सीधी तस्वीरें है जो है दिखा रहे, कुछ देर पहले की तस्वीर है दिखा रहे जो आपको, ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब जो सेना के जवान थे वो घायल हो गए थे इस पूरे मुठभेड़ में, अब उनको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया जा सके। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि कल कठुआ में दो और आज एक आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है। जो तस्वीर दिखा रहे आपको ये कुछ देर पहले की है। वही वक्फ बोर्ड कानून को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने गुड़गांव में बड़ी बात कही है। गुरुग्राम में रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि कई दिक्कतें लगातार वक्फ बोर्ड कानून की वजह से होती हैं, वहीं कई परेशानियां हैं और इस कानून को शीतकालीन सत्र में सुधार कर इसे सीधा करने का हम काम करेंगे। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर गृहमंत्री ने कहा है कि जल्द ही शीतकालीन सत्र में इसे लाया जाएगा और जो इसे लेकर दिक्कतें हैं, जो समस्या पैदा कर रहा है वक्फ कानून, उसे दूर किया जाएगा। उन समस्याओं को लेकर हम सुधार करेंगे सदन के अंदर। जो बिल है, क्योंकि जेपीसी में फिलहाल वक्फ बोर्ड का बिल है जिसे लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है, और अब बड़ा ऐलान और बड़ी बात वक्फ बिल को लेकर गुरुग्राम में रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कही। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। और अब खबर यूपी से है। यूपी में आए दिनों जो ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जा रही, इस बीच दो खबरें निकल के सामने आई जहां पे उत्तर प्रदेश के बलिया और महोबा से दो तस्वीर निकल के सामने आई जहां पे पत्थर रख करके ट्रैक को यहां पे डिरेल करने का प्रयास किया गया। हालांकि सूझबूझ के चलते यहां पर पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते रह गया। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट में दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर साजिश का पत्थर, साजिश के पीछे किसका हाथ, रेलवे ट्रैक से कैसा प्रतिघात। बलिया और महोबा, ये उन दो जगहों की तस्वीर है जहां रेलवे ट्रैक पर साजिश का पत्थर मिला। रेल की रफ्तार की धार को कुंद करने की कोशिश हुई, रेल यात्रियों के जान से खिलवाड़ की कोशिश हुई। महोबा में रेलवे ट्रैक पर भारी भरकम पत्थर रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई, हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद से आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर गश्त को बढ़ा दिया है। बांदा महोबा रेल ट्रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर रखे जाने की सूचना पर तत्काल मौके पर स्थानीय कबरई की पुलिस तथा आरपीएफ पहुंची। वहां पे पास से ही एक किशोर को पकड़ा गया, जिसने खुद के द्वारा एक पिलर जो रेलवे फेंसिंग के लिए बगल में लगाया गया है, उसका टुकड़ा रेल की पटरी पर रखना स्वीकार किया है। किशोर से हर पहलू पे पूछताछ की जा रही है तथा प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है। वहीं बलिया में भी रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। बकुला मांझी रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर पत्थर रख दिया गया। डाउन लाइन से आ रही लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के लोको पायलट की नजर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। इसके बावजूद पटरी पर रखा पत्थर ट्रेन के कैटल गार्ड से टकरा गया। हालांकि ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में लोको पायलट ने सेफ्टी चेक करने के बाद ट्रेन को रवाना किया। बलिया और महोबा से पहले भी
यूपी के साथ साथ पूरे देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कभी कानपुर तो कभी प्रयागराज, कभी सूरत तो कभी रामपुर। ट्रेन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की ये तस्वीरें बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। जब लखनऊ छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बैरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है। कभी पत्थर, कभी सरिया, कभी सिलेंडर, आखिर रेल के साथ ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ महज रेल का मामला नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बात बिहार की करते हैं, जहां पर एक बार फिर से मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से भी पानी छोड़े जाने के बाद सड़कों पर आखिर किस तरीके से पानी जा पहुंचा है, नदियां उफान पर हैं और लगातार लोगों की जो परेशानियां हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। बिहार में बाढ़ के हालात, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बिहार के 13 जिले चपेट में हैं। सुपौल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा अररिया की भी, जहां क्या कुछ स्थिति है। सुपौल और अररिया में कई फीट तक पानी भर चुका है, लोगों के घर डूब गए हैं। रिपोर्ट। मंडराया खतरा, मचा हाहाकार, जल प्रलय की आहट। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार पर भी पड़ा है। गंडक और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई। पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों से पानी का रिसाव 5 गुना तक बढ़ गया है। सुपौल जिले के पास बेरपुर बराज की तस्वीर कोसी नदी के रौद्र रूप की झलक दिखा रही है। नेपाल से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी बराज के पुल पर जा पहुंचा है। अनुमान है कि आगे जाकर ये पानी सीमांचल समेत उत्तर बिहार के कई जिलों को जलमग्न कर देगा। यही कारण है कि प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द गांव खाली करने के निर्देश दे रहा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कहा जा रहा है कि करीब 50 साल बाद कोसी में इतने बड़े पैमाने पर पानी देखा जा रहा है जो भारी तबाही ला सकता है। हम लोग जा रहे हैं जहाँ की ऊंचा मिलेगा, रोड पर जा रहे हैं, घर में तो पानी घुस गया है। बाढ़ आया, हम लोग घर पर भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जहाँ जहाँ ऊंचा जगह मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ संबंधित विभाग के इंजीनियर भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डरे सहमे हैं लोग, लोगों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है। दबाव तो कम डिस्चार्ज में भी रहता है तो 6 लाख का डिस्चार्ज है, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं, सर से बात किए हैं और बाकी नीचे के लेवल इंजीनियर से बात किए हैं, तटबंध सुरक्षित है, लेकिन हम लोग कोसी के साथ साथ गंडक नदी का जलस्तर भी आज सुबह से बढ़ने लगा, जो 30 सितंबर को डेंजर पॉइंट के करीब पहुंचने की आशंका है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी संबंधित इंजीनियर्स को तटबंधों पर ही 24 घंटे कैंप करने का निर्देश दिया है। नेपाल ने कोसी और गंडक बराज में 10,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है।